नमस्कार जैन, कैसे आप लोग? गाइस ऐसा करती हूँ, आप लोग अच्छे मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेकर आई हूँ वर्ल्ड कप मैच नंबर 6, जिसमें बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बारे में। तो T20 वर्ल्ड कप के बीच मैच नंबर 6 में यूरोप की दो स्ट्रॉन्ग टीम आमने सामने होंगे। एक तरफ है स्कॉटलैंड तो दूसरी तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड। तो यह भी एक इफ्तिकवाक वाला इंटरनेशनल लेवल पर T20 में यह दोनों टीम का पहला मैच होगा। यह मैच 4 जून को 2024 को कैंसिस्टेंट ओवर में ब्रिज टाउन और बाबाडोस में भारतीय समयानुसार रात के 8 बजे खेला जाएगा। और स्कॉटलैंड पिछले साल की शुरुआत से ही T20 फॉर्मेट में 12 मैचों में 9 जीत के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड बिल्कुल अलग ही है, जिन्होंने 2023 की शुरुआत में 14 मैचों में सिर्फ 6 जीत दर्ज की हैं। और खराब रिकॉर्ड के बाद भी इंग्लैंड के खिलाड़ी IPL में भी मिली सफलता में एक्साइटेड हैं और इंग्लैंड के लिए यह आसान मैच होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो बारबाडोस में मैच के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने का अनुमान है और तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पश्चिमी से 10 और 25 के किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी और रेन चांस 85%, ह्यूमिडिटी 83% और टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेंगे। पिच रिपोर्ट की बात करें तो विनिंग परसेंटेज का प्रोडक्शन कहते हैं, फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज 62% और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 35%। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 155 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 133। इंग्लैंड शॉट एनालिसिस की बात करें तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतने की दावेदारी टीम्स में से एक है और अभी हाल में ही टीम पाकिस्तान को सीरीज हरा कर आई है और कप्तान जॉस बटलर फिल सर्ट के साथ ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर विल जैक को भी टीम चांस दे सकती है। नंबर 4 पर हैं जॉनी बेयरस्टॉ खेलेंगे। बेयरस्टॉ ने पिछले 6 मैचों में 146 की स्ट्राइक रेट से 224 रन बनाए हैं। इंग्लैंड मिडिल ऑर्डर में भी हैरी ब्रूक लियाम और लिविंगस्टोन के और मोइन अली जैसे ऑलराउंडर शामिल होंगे और लिविंगस्टोन और अली ने और IPL सीजन में ही अच्छा परफॉर्म किया था, जबकि ब्रूक इस सीजन में नहीं खेलेंगे और सैम करन को भी टीम चांस दे सकती है। बॉलिंग में इंग्लैंड को जोफ्रा आर्चर की वापसी में फायदा हुआ है होगा, जो कि चोट के कारण 2 साल से अधिक समय तक क्रिकेट से दूर रहे और मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन टीम को विकेट दिला सकते हैं और रीस टॉपली को भी टीम शामिल किया जा सकता है और जिन्होंने पिछले 4 गेमों में 14 की एवरेज से 9 विकेट लिए थे। आदिल राशिद इंग्लिश और यूनिट में भी स्पिनर होंगे। इंग्लैंड प्लेइंग 11 की बात करें, जॉस बटलर, फिल सर्ट, विल जैक, जॉनी बेयरस्टॉ, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लिविंगस्टोन, चेरिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और मार्क वुड। स्कॉटलैंड शॉट एनालिसिस की बात करें तो यह स्कॉटलैंड की T20 विश्व कप में 5वां प्रेजेंस होगा और टीम के कप्तान रिची और बैरिंगटन और टॉप ऑर्डर जॉर्ज मुनसे पर होंगे और मुनसे पिछले साल को स्कॉटलैंड के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 11 इनिंग में 151.02 के स्ट्राइक रेट से 444 रन बनाए थे और मुनसे ओली और हेयर्स के साथ इनिंग की स्टार्ट करेंगे और ब्रैंडन और मैकमुलेन की नंबर 3 पर खेलेंगे और मैकमुलेन ने पिछले 9 मैचों में 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। नंबर चार पर है कैप्टन रिची बेयरस्टॉ और रहेंगे और बैरिंगटन ने 11 मैचों में 308 से ज़्यादा रन बनाए हैं और रिकॉर्ड और स्कॉटलैंड टीम के का मिडिल ऑर्डर वीक है। मैथ्यू क्रॉस और मोइन और माइकल लिस्ट आउट ऑफ फॉर्म में है और बॉलिंग में ब्रे और बैडरिली करी और मार्क वॉर्ड टीम के मेन स्पेसर हैं और क्रिस सॉल बॉलिंग यूनिट का लीड करेंगे। करी ने पिछले साल से और स्कॉटलैंड के लिए T20 में 11 मैचों में 4.94 की और इसको इकोनॉमी से 19 विकेट लिए थे। बात करें स्कॉट प्लेंगारी की तो रिची बेयरस्टॉ, मैथ्यू क्रॉस, ब्रेड करेन और ओली हेयरस्टॉ, मिचेल जॉनस और मिचेल लेसर, ब्रैंडन एमसी मुलेन, जॉर्ज मोनसी और सेफियान शरीफ और क्रिस और कॉसॉल हैं और मार्क वॉट है। ड्रीम टीम फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर में जॉस बटलर जो कि विकेट कीपर हैं और बैटर्स में शामिल हैं फिल्सर, जॉर्ज मुनसी और रिची बेयरस्टॉ। और बात करें बॉलर्स में तो जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, क्रिस जॉसॉल, मार्क वॉट और मिचेल लिसक।
बात करें ऑलराउंडर में तो विल जैक, लियम लिविंगस्टोन है। बात करें प्रेडिक्शन की तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, जबकि स्कॉटलैंड और इनएक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं। और यह देखना है कि इंटरेस्टिंग होगा कि हम जिस करीबी मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं उसमें से कौन सी टीम लीड कर लेती है। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम की स्क्वाड के स्ट्रेंथ को देखते हुए विनर इंग्लैंड हो सकता है।